तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि नॉर्मल एलईडी टीवी को कंप्यूटर के से बना सकते हो, वो भी बिना सीपीयू के। तो गैस हम कई सारे जो नॉर्मल एलईडी टीवी को यूज करते हैं, लेकिन उसको हमें कंप्यूटर बनाना है वो भी बिना सीपीयू के, तो आपको आसान तरीके कंप्यूटर बना सकते हो। तो गैस जो जितना प्रोसेस है, तो सभी प्रोसेस आज की वीडियो में आपको कंप्लीट ट्यूटोरियल बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा देखिए, और वीडियो स्टार्ट करने से अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, चैनल पे नहीं हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस स्क्रीन पे देख लीजिए कि हमारा जो नॉर्मल टीवी है, तो इसको हमें कंप्यूटर बनाना है वो भी बिना सीपीयू के। तो आपको इस तरह टीवी को लेना है, और यहाँ पे आपको कीबोर्ड एंड माउस है वही आपको लेना है, और कीबोर्ड एंड माउस है वही आपको यूएसबी हब में एडेप्टर में लगाना है, और लगाने के बाद आपका जो टीवी है वही आपको इस तरह ऑन कर देना है। तो गाइस स्क्रीन पे देख लीजिए कि हमारा जो टीवी है वही हमारा नॉर्मल एलईडी टीवी है, यहाँ पे हमारा कोई स्मार्ट टीवी नहीं है। तो इसको हमें कंप्यूटर बनाना है वो भी बिना सीपीयू के। तो आपको इस तरह जो टीवी है वही आपको ऑन कर देना है, और कीबोर्ड एंड माउस है वही आपको लेना है, और उसको आपको एडेप्टर में कनेक्ट करना है। तो यहाँ से हमने जो सभी चीज़ें वही हमने ले लिया है, और आपको टीवी में एनीकास्ट को कनेक्ट करना है, क्योंकि हमें जो बिना सीपीयू के टीवी को हमें कंप्यूटर बनाना है, तो आपको एनीकास्ट को टीवी में लगा देना है। तो चलिए ऐसे मैंने टीवी में एनीकास्ट को कनेक्ट कर दिया है, और कनेक्ट करने के बाद आपका जो कीबोर्ड एंड माउस है वही आपको लेना है, क्योंकि हमें बिना सीपीयू के टीवी को हमें कंप्यूटर बनाना है। तो आपको यहाँ पे जो सोर्स बटन है वही आपको टीवी में प्रेस करके यहाँ से आपको HDMI को सिलेक्ट कर देना है। तो चलो मैंने HDMI को यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया है, और सिलेक्ट करने के बाद आपको जो आपका कीबोर्ड एंड माउस है उसको आपको एडेप्टर है उसमें आपको लगाना है, और लगाने के बाद आपको मोबाइल लेना है, क्योंकि हमें जो मोबाइल से जो टीवी है पूरा कंप्यूटर बनाना है, और कीबोर्ड एंड माउस है उसको हमें यूज करना है। तो आपका जो मोबाइल है, तो मोबाइल में आपको स्क्रीन कास्ट है वही आपको ओपन कर देना है। तो चलो मैं स्क्रीन कास्ट को मोबाइल में ओपन कर देता हूँ, और ओपन करके आपका जो टीवी है वही आपको स्क्रीन कास्ट से मोबाइल से कनेक्ट कर देना है। तो चलिए ऐसे जो हमारा टीवी का नाम है यहाँ पे हमारा मोबाइल में शो हो रहा है, तो चल मैं एनीकास्ट से यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। तो आपको इस तरह मोबाइल को टीवी में कनेक्ट कर देना है, और कनेक्ट करने के बाद आपका जो कीबोर्ड एंड माउस है जो भी आपने एडेप्टर में लगाया है वही आपको OTG को मोबाइल में कनेक्ट करना है। तो चलिए जो कीबोर्ड एंड माउस का OTG केबल है वही मैं मोबाइल में लगा देता हूँ। तो आपको इस तरह मोबाइल में OTG केबल को लगा देना है, तो आपका जो कीबोर्ड एंड माउस है यहाँ पे आपका ऑन हो जाएगा, लेकिन आपका मोबाइल का सेटिंग है तो उसमें आपको OTG है वही आपको ऑन होना चाहिए, तभी आपका जो कीबोर्ड एंड माउस है यहाँ पे आपका ऑन हो जाएगा। तो चलो मैंने कीबोर्ड एंड माउस है यहाँ पे मैंने मोबाइल में लगा दिया है। तो इस हमारा जो LED टीवी है उसको हमें कंप्यूटर बनाना है वो भी बिना सीपीयू के। तो आपको मोबाइल में Windows 7 का जो ऐप है वही आपको ओपन कर देना है, जो प्ले स्टोर में मिल जाएंगे तो वही आपको मोबाइल में ओपन कर देना है। तो चलिए ऐसे मैं मोबाइल में ओपन कर रहा हूँ, तो आपको इस तरह Windows 7 का जो ऐप है यहाँ से आपको ओपन कर देना है, और आपका जो माउस है तो माउस से आपको क्लिक करके ओपन कर सकते हो। तो सही से मैंने जो यहाँ पे माउस एंड कीबोर्ड है वही हमारा सही से शो हो रहा है, यानी कि जो टीवी में माउस का पॉइंटर है यहाँ पे हमारा शो हो रहा है। तो गाइस स्क्रीन पे देख लीजिए कि Windows 7 है यहाँ पे हमारा स्टार्ट हो रहा है, यानी कि जो टीवी है उसका जो कंप्यूटर है यहाँ पे हमारा बन चुका है। तो चलो मैं कीबोर्ड एंड माउस से पेंट और नोटपैड और वर्डपैड को यूज करके आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए ऐसे मैं स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ, तो जो भी Windows 7 को स्टार्ट करते हैं तो वैसे हमारा जो टीवी है वही हमारा पूरा कंप्यूटर बन चुका है। तो गाइस स्क्रीन पे देख लीजिए कि यहाँ पे सही से हमारा जो Windows 7 है यहाँ पे हमारा ओपन हो चुका है, कीबोर्ड एंड माउस है उसमें भी लाइट आ रहा है, यानी कि बिना सीपीयू के जो हमारा टीवी है वही हमारा पूरा कंप्यूटर बन चुका है। तो वैसे ही आपको बिना सीपीयू के जो आपको आसान तरीके किसी भी टीवी को कंप्यूटर बना सकते हो। तो चलिए ऐसे मैं स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ, तो जो भी हम Windows 7 में स्टार्ट बटन पे क्लिक करते हैं
तो इसमें कई सारे प्रोग्राम ओपन होता है। तो वैसे आपको यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करके यहाँ से आपको ओपन कर सकते हो। तो कई सारे जो नोट पैड है, वर्ड पैड है, यहाँ पे जो पेंट होता है वही आपको एलईडी टीवी में यहाँ पे आपको कीबोर्ड एंड माउस से यहाँ पे यूज कर सकते हो। तो चल मैं पेंट को ओपन करता हूँ। तो यहाँ से जो पेंट वाला ऑप्शन है तो उसमें मैं क्लिक करता हूँ, तो जो हमारा टीवी में यहाँ पे पूरा पेंट ओपन हो जाएगा। नोट पैड को ओपन करना चाहते हो, वर्ड पैड को ओपन करना है तो यहाँ से आपको कर सकते हो। जैसे आपको कंप्यूटर को यूज करते हैं वैसे आपको टीवी को कंप्यूटर बना के यूज कर सकते हो। तो सही से हमारा जो पेंट है यहाँ पे हमने ओपन कर दिया है। माउस का पॉइंटर है यहाँ पे हमारा सही से शो हो रहा है। तो चलो मैं पेंट करके आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ से जो फुल स्क्रीन में पेंट को मैंने ओपन कर दिया है। तो चले जो पेंसिल वाला ऑप्शन है तो उसमें आपको क्लिक करके पेंट में किसी भी ड्राइंग करना है तो यहाँ से माउस से कर सकते हो। तो चले यहाँ से जो पेंसिल वाला ऑप्शन है तो यहाँ से मैंने क्लिक करके चलो मैंने रेड कलर को सिलेक्ट कर दिया है। तो गाइस स्क्रीन पे देख लीजिए कि यहाँ पे हमारा सही से यहाँ पे पेंट हो रहा है। चलो मैं माउस से क्लिक करता हूँ तो वही हमारा सही से पेंट हो जाएगा। तो अभी स्क्रीन पे देख लीजिए कि यहाँ पे सही से पेंट है यहाँ पे हमारा हो रहा है। लेकिन आपको इरेज करना है तो यहाँ से आपको इरेज वाला ऑप्शन पे क्लिक करके जो भी आपने पेंट किया है वही आपको इरेज पे कर सकते हो। तो सही से आपको इस तरह जो टीवी में पेंट को ओपन कर सकते हो। माय पीसी को ओपन करना है तो यहाँ से आपको क्लिक करके माय पीसी को ओपन कर सकते हो। जो सी ड्राइव होता है, डी ड्राइव होता है वही आपको देखना है तो माय पीसी पे क्लिक करके यहाँ से आपको कर सकते हो। तो गाइस हमारा जो पूरा बिना सीपीयू के टीवी है वही हमारा कंप्यूटर बन चुका है। तो वैसे आपको आसान तरीके किसी भी टीवी को कंप्यूटर बना सकते हो वो भी बिना सीपीयू के। तो चलो मैं आपको नोट पैड को ओपन करके, वर्ड पैड को ओपन करके यहाँ से आपको कीबोर्ड से टाइपिंग करके भी आपको बताने वाला हूँ। तो चलो यहाँ से मैं स्टार्ट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ से मैंने स्टार्ट पे क्लिक कर दिया है तो यहाँ से जो नोट पैड है वही मैं ओपन कर देता हूँ। तो गाइस स्क्रीन पर देख लीजिए कि यहाँ पर मैंने नोट पैड को ओपन कर दिया है। तो चलो मैं मैक्सिमाइज पे क्लिक करता हूँ तो सही से हमारा नोट पैड ओपन हो चुका है। हम किसी भी कीबोर्ड से टाइपिंग करना है तो यहाँ से आपको आसान तरीके कीबोर्ड से टाइपिंग भी कर सकते हो। तो गाइस स्क्रीन पे देख लीजिए कि यहाँ पे हमारा कीबोर्ड से टाइपिंग भी हो रहा है। तो आपको इस तरह टाइपिंग को सीखना है तो आपको टीवी में कीबोर्ड को लगा के यानी कि पूरा कंप्यूटर बना के यहाँ से आपको टाइपिंग भी कर सकते हो। फाइल को सेव करना चाहते हो तो क्लोज बटन पे क्लिक करके यहाँ से आपको फाइल को सेव भी कर सकते हो और डोंट सेव भी कर सकते हो। जैसे आपको कंप्यूटर यूज करते हैं वैसे आपको बिना सीपीयू के टीवी को कंप्यूटर बना के यहाँ पे आपको आसान तरीके यूज कर सकते हो। कंप्यूटर को शट डाउन करना है तो आपको स्टार्ट पे क्लिक करके यहाँ से आपको शट डाउन भी कर सकते हो। तो गाइस आपको आसान तरीके नॉर्मल एलईडी टीवी को कंप्यूटर बनाना है तो वैसे आपको कंप्यूटर बना सकते हो। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइबर जरूर करना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।